दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब गुस्से में 24 करोड़ी मिचेल स्टॉक ने शिवम दुबे को गाली देने की गलती की, तब दुबे ने अपने बल्ले से मिचेल स्टॉक का वह बुरा हाल किया। ये गेंदबाज किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गया, तो आखिर क्यों बीच मैदान में लड़ पड़े मिचेल स्टॉक और शिवम दुबे? आखिर ऐसी कौन सी बदतमीजी की स्टॉक ने जिसके बाद दुबे ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए स्टॉक की क्लास लगा दी? उनके बीच हुए भयंकर विवाद से लेकर दुबे के बदले का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, दुबे, धोनी और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन खतरनाक छक्के लगाता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 22वें मुकाबले में धोनी और गंभीर की टक्कर को देखने के लिए हर कोई बेहद एक्साइटेड था, लेकिन कहीं न कहीं कोलकाता के बल्लेबाजों ने सबको निराश किया, या कहें कि महेंद्र सिंह धोनी के मास्टर प्लान के आगे किसी की एक न चली। कोलकाता का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। मुश्किल से कोलकाता केवल 137 रन बना पाई, लेकिन इसका पीछा करते हुए शिवम दुबे ने अपने बल्ले से बहुत जल्द मैच खत्म करने की ठान ली। तभी ऑस्ट्रेलियाई सनसनी मिचेल स्टॉक ने शिवम दुबे पर अपना गुस्सा निकालते हुए जो किया, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच तो मैदान पर ही भयंकर लड़ाई और हाथापाई का माहौल बन गया। जी हाँ दोस्तों, डेरी मिचेल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने शिवम दुबे आए तो उनके सिर पर खून सवार था। ऐसा लगा कि वह तो अपने बल्ले से कोलकाता के गेंदबाजों का करियर ही तबाह कर देंगे। उनका विकेट लेना कोलकाता के लिए बहुत जरूरी हो चला। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे बड़े हथियार मिचेल स्टॉक को बुलाया। उन्हें लगा कि यह गेंदबाज उन्हें सफलता दिलवा पाएगा, लेकिन दोस्तों, शिवम दुबे ने तो उनका स्वागत एक बेहतरीन चौके से कर दिया। इसके बाद मिचेल स्टॉक का गुस्सा देखने लायक था। ऐसा लगा कि उनके सामान को बहुत गहरी ठेस पहुंची है, और चौका खाने के बाद गुस्से में न केवल शिवम दुबे को घूरा बल्कि वापस जाते समय कुछ अपशब्द भी कह दिए। साफ तौर पर दिख रहा था कि मिचेल स्टॉक बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन शिवम दुबे किसी और की गाली कैसे सुन लेते। उन्होंने तो मिचेल स्टॉक से उनकी बदतमीजी का कारण पूछा और स्टॉक के ऊपर ही चढ़ने लग गए। दोनों 7 फुट के खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने आए और ऐसा लगा कि दोनों के बीच तगड़ी हाथापाई हो जाएगी। दोनों ने काफी लंबी बहसबाजी भी की और दोनों के बीच जुबानी जंग के चलते माहौल काफी गर्मा गया। हर कोई चिंतित था कि आखिर यह हो क्या रहा है, और यहाँ तक कि नजारा देखकर धोनी की भी आंखें फटी फटी रह गई कि ऐसा लगा कि दौड़ते हुए अंपायर को भी बीच बचाव में आना पड़ जाएगा। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे का रास्ता छोड़ा और अपनी जगह पर चले गए, लेकिन उनके बीच की दुश्मनी काफी लंबी हो चुकी थी और शिवम दुबे भी अपनी बेइज्जती भूले नहीं थे। उन्होंने तो मिचेल स्टॉक को सबक सिखाने की ठान ली और आखिरी के ओवर में ऋतुराज ने इस गेंदबाज को चौका मारकर शिवम दुबे की बेइज्जती का बदला लिया। साथ ही शिवम दुबे ने भी ठान लिया कि आज वह कोलकाता को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती तो शिवम दुबे ने अपना सारा गुस्सा इस गेंदबाज पर निकाल दिया। वरुण चक्रवर्ती की लगातार 2 गेंद पर स्टेडियम के बाहर लंबे लंबे छक्कों के लिए डिपॉजिट कर दिया। शिवम दुबे ने मैदान में तहलका मचा दिया। इसके बाद वैभव अरोड़ा को उन्होंने छक्के के लिए स्टेडियम के तीसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के चौंकाकर उन्होंने न केवल मिचेल स्टॉक की बोलती बंद कर दी, बल्कि कोलकाता की जीत की उम्मीदों को भी उन्होंने अपने बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। शिवम दुबे इस तूफानी पारी के दम पर चेन्नई ने आसानी से जीत हासिल की और शिवम दुबे ने कोलकाता को बता दिया कि उनसे बदला लेना मिचेल स्टॉक की कितनी बड़ी भूल थी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, धोनी और शिवम दुबे मिलकर क्या चेन्नई को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएंगे? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता और चेन्नई के बीच खेला गया जबरदस्त मुकाबला। रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुए कोलकाता के बल्लेबाज, फिर अपने बल्ले से तबाही मचाकर चेन्नई के बल्लेबाजों ने रच दिया नया कीर्तिमान। तो आखिर किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, कौन सी टीम बनी इस मैच में विजेता, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच, खेले गए इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और धोनी में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के एमएस चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर 2 खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे, वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। चेन्नई की शुरुआत तो बेहद शानदार हुई क्योंकि पहले ही ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे ने टीम को पहली सफलता दिला दी। फिलिप सॉल्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद सुनील नारायण का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वहीं उनके साथ रघुवंशी भी भरपूर दे रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहमान से लेकर शार्दुल ठाकुर, यहाँ तक कि तुषार देशपांडे हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले के बाद 7वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रविंद्र जडेजा के हाथ में थमाई और जडेजा ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने रघुवंशी को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, उसके बाद भी जडेजा रुकने का नाम नहीं लिए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से शिकार सुनील नारायण को बनाया और सुनील नारायण अपनी टीम
के लिए 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी कि जडेजा ने पहले ओवर में 2 विकेट झटक कर कोलकाता की कमर तोड़ दी। उसके बाद भी रविंद्र जडेजा रुकने का नाम नहीं लिए। टीम के लिए एक बार फिर 9वां ओवर फेंकने आए रविंद्र जडेजा और अपने इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने इस बार वेंकटेश अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई सुपर किंग को मैच में बेहतरीन वापसी कर दी। 64 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। इसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने रमनदीप आए लेकिन ये भी केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 16 ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह भी तुषार देशपांडे के शिकार हो गए और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर आ चुके थे कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसेल। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी लेकिन रसेल भी कुछ खास नहीं कर पाए। वो केवल टीम के लिए 10 रनों का योगदान देकर तुषार देशपांडे के शिकार हो गए। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनुकूल रॉय, लेकिन तब तक खुद कप्तान श्रेयस अय्यर भी 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 135 रनों के स्कोर पर टीम के 8 बल्लेबाज जा चुके थे। कोलकाता की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए। टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। चेन्नई के बल्लेबाज धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पहले ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने मिलकर 4 रन बटोर लिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा बेहद ही शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 11 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क और इस बार इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार चौका जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। अंतिम गेंद को भी रविंद्र ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को विकेट की तलाश थी। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार वैभव अरोड़ा और इन्होंने अपनी टीम को पहली सफलता रचिन रविंद्र के रूप में दिला दी। चेन्नई को पहला झटका 27 रनों के स्कोर पर लग गया। रविंद्र टीम के लिए 15 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब कप्तान गायकवाड़ का साथ देने के लिए डैरिल मिचेल आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर 29 रन 1 विकेट पर बन पाया लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे। अपने टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। गायकवाड़ तेजी से अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। चेन्नई के एक से एक बल्लेबाज मैदान पर आते गए और अपने अंदाज में अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते गए और यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। टीम की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलर मैच के लिए हर कोई बेकरार था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स। चेबॉक के मैदान पर सभी ने सोचा था कि एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला जाएगा लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसने तो गौतम गंभीर के चाहने वालों का दिल ही तोड़कर रख दिया। और धोनी ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया के महानतम कप्तानों में से एक है। जी हां, पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो फिर धोनी के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट चटकाकर जडेजा ने कोलकाता की कमर तोड़ दी। तो अगले ओवर में उन्होंने एक और शिकार कर कोलकाता को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जडेजा ने नारायण रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का शिकार बहुत जल्द कर जहां कोलकाता का टॉप ऑर्डर तहस नहस किया तो फिर तुषार देशपांडे के साथ मिलकर उनके तेज गेंदबाजों ने तो कोलकाता को एक एक रनों के लिए तरसाया और 20 ओवर में कोलकाता बड़ी मुश्किल से केवल 137 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करना तो चेन्नई के लिए कहां मुश्किल था। कोलकाता के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की लेकिन धोनी के आगे उनकी एक न चली और चेन्नई ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर न केवल कोलकाता के विजय रथ को रोका बल्कि एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो यहां आईपीएल चैंपियन बनने के लिए आए हैं। लेकिन चेन्नई की जीत जैसे ही सामने आई एक बार फिर इसका पूरा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को दिया जाने लगा। ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो चिन्नथाला के नाम से मशहूर सुरेश रैना का कहना है कि बो डाउन टू महेंद्र सिंह धोनी। भले ही ऑफिशियल कप्तान ऋतुराज हैं लेकिन सब देख सकते हैं कि आखिर मैदान में असली कप्तानी करी किसने है। मैं तो पहले से कहता हूँ कि जब तक धोनी मैदान में है उनसे लाइमलाइट कोई छीन ही नहीं सकता है। उन्होंने जैसे जडेजा का इस्तेमाल किया उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया के बेस्ट कप्तान है। चेन्नई की ये जीत कमाल की थी। चेन्नई इस बार भी आईपीएल चैंपियन जरूर बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है माही भाई पर। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी ऐसा मानना है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता जैसी टीम जो आसानी से 200 रन बना सकती थी उसे चेन्नई ने केवल 134 रन पर रोक दिया। यह धोनी के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। चेबॉक के मैदान पर धोनी के चेन्नई को हराना इनविजिबल हो चला था। कोई भी टीम यहां पर जीत नहीं पाती। इस मैच को देखकर तो ऐसा
लग रहा है कि चेन्नई को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही रेस में कोई भी हो। मुझे लगता है कि एक बार फिर चेन्नई आसानी से फाइनल में जाएगी। यहां तक कि दोस्तों खुद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा कि भारत की हिस्ट्री में यदि कोई सबसे महान कप्तान आज तक हुआ है तो वो धोनी है, और आप उनके सामने कैसे सोच सकते हैं कि अपनी टीम को लेकर जाएंगे और उनके घर पर ही जीतेंगे। गंभीर अच्छे कोच हैं लेकिन धोनी से बेहतर नहीं। मुझे पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का ट्राई किया, उन्होंने कितनी डॉट बॉल खेली है आपने देखा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धोनी ने कोलकाता की कमजोरी का बखूबी फायदा उठाया, तभी तो वो इतने महान कप्तान है। उनके अलावा दोस्तों अब तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी धोनी को सलाम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जितने काम कूल और कंपोज होकर उनकी अपनी टीम को सब हैंडल करते हैं वो क्वालिटी उनसे सीखने लायक है।